रूही की कुंडली देख पंडित जी की बड़ी भविष्यवाणी ने उड़ाए दादी सा के होश और यहीं पर आएगा सीरियल ये रिश्ता के कहलाता है में जबरदस्त ट्रैक। दोस्तों अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कैसे यहाँ पर रूही की वापसी से जहाँ पर दादी सा और यहाँ पर विद्या की खुशी का ठिकाना ही नहीं है। यहाँ पर अपकमिंग ट्रैक में दादी सा बुलाने वाले पंडित जी को मिलवाने के लिए निकलवाने के लिए रूही और रोहित की शादी का मुहूर्त। दोस्तों अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कैसे यहाँ पर पंडित जी की एंट्री होगी और पंडित जी की एंट्री यहाँ पर जो है यहाँ पर रूही और रोहित की कुंडली जो है पंडित जी को दी जाएगी। दोस्तों अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कैसे यहाँ पर दादी सा कहते हुए नजर आने वाले कि पंडित जी की जल्दी से जल्दी कोई अच्छा सा मुहूर्त बता दीजिए कि जिस मुहूर्त में मैं रूही की और रोहित की शादी करवा दूं। और दोस्तों कमिंग ट्रैक में पंडित जी दोनों की कुंडली को देखते हुए नजर आने वाले और कहते हुए नजर आने वाले माफ कीजिए कावे जी ये शादी नहीं हो सकती। दोस्तों कमिंग ट्रैक में दादी सा हो जाएगी शॉर्ट और यहाँ पर जो है पंडित जी कहते हुए नजर आने वाले कि मैंने इनकी कुंडली को देखा लेकिन अब इनकी दोनों की कुंडलियाँ जो है इन दोनों के ग्रह नक्षत्र जो है आपस में शत्रु हो गए। और आपको मैं बता दूं अगर रोहित की और रूही की शादी अगर आपने करवाने की कोशिश भी की ना तो बात रोहित की जान पर आ सकती है। और हो सकता है इस बार जो है आपका पोता जो है लौट कर ही नहीं आए। पहले भी आपका पोता जो है इतने टाइम से इतने महीनों से आपके परिवार से दूर रहा है उसके पीछे भी रूही के ग्रह और रूही के नक्षत्र ही जिम्मेदार है। और अगर आपने फिर से जो है शादी करवाने की कोशिश की तो इस बार आप अपने पोते से ही शायद हाथ धो बैठेंगी। दोस्तों कमिंग ट्रैक में दादी सा के पैरों के नीचे से निकलेगी जमीन जब यहाँ पर दादी सा सुनेगी पंडित जी की बात। और दोस्तों कहानी में आएगा एक नया ट्विस्ट भी।